चलिए अब रुक करते हैं उन सुर्खियों का जिन्होंने आज फ्रंट पेज पर जगह बनाई है, जो हेडलाइंस के तौर पर तमाम न्यूज़पेपर्स में छपी हैं। और एक खबर जिसने 31 दिसंबर से अब तक फ्रंट पेज पर जगह बनाई है वो है यूपी चुनाव से जुड़ी हुई, सपा सरकार से जुड़ी हुई खबर। अखिलेश अब भी नहीं हुए मुलायम, दैनिक जागरण में ये हेडलाइंस छपी है। और अखिलेश अब भी नहीं हुए मुलायम क्योंकि कल मीटिंग हुई और मीटिंग में शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव के घर पर यह मीटिंग रखी गई थी लेकिन ढाई घंटे चली इस मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकला और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बीच में जो सुलह की वार्ता थी वो विफल रही। रामगोपाल ने चुनाव आयोग में पार्टी और चिन्ह पर अब दावा ठोका है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कुनबे की कलह आमने सामने की सीधी लड़ाई में तब्दील हो गई है और समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए मुलायम सिंह के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक गुट केंद्रीय निर्वाचन आयोग पहुंचा और अखिलेश गुट के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के साथ अपना पक्ष रखते हुए अखिलेश वाले गुट को ही असली समाजवादी पार्टी बताया है। उन्होंने इसके लिए दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं। और उधर मुलायम ने अखिलेश से फिर बात की, इसमें शिवपाल यादव को भी शामिल किया गया था पर बात नहीं बनी और सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने झुकने से इनकार कर दिया है। तो कुनबे की कलह जो है वो लगातार बनी हुई है। शिवपाल की मौजूदगी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने झुकने से इनकार कर दिया है। रामगोपाल ने आयोग के समक्ष जो है अखिलेश गुट को असली सपा बताया है और सबूत भी पेश किए हैं। अब भी मसला हल हो सकता है, अखिलेश को अपनी छवि का फायदा तो मिल सकता है मगर परंपरागत वोटर मुलायम सिंह के साथ है। लोगों को को ये भी लगता है कि अखिलेश के मुलायम से अलग नहीं किया, उन्होंने खुद को अलग कर दिया है। यानी कि जो एक मेन वोट बैंक है, यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, इसकी थोड़ी सी पकड़ जो है वो अब बिखरती नजर आएगी। दैनिक जागरण में भी यही खबर है, जनसत्ता में यूपी में राजनीतिक ड्रामा जारी, यानी कि राजनीतिक ड्रामा अभी तक जारी है। 31 दिसंबर से ये ड्रामा शुरू हुआ है, अभी तक ये एपिसोड जो है वो खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद अगर बात करें अमर उजाला की तो मुलायम अखिलेश शर्तों पर अड़े, बेनतीजा रही सुलह की कोशिश। और दैनिक भास्कर भी इसी खबर को फ्रंट पेज पर लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी में जारी घमासान की, तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा है फिलहाल। और लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने सफाई के बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ एक बैठक के बाद एक फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। नेताजी आखिरकार समझ गए कि बालहट की वजह से बरसों तक साइकिल चलाकर बनाई पार्टी अब टूट जाएगी और साइकिल के अंजर बंजर अलग हो जाएंगे। लिहाजा सैफई के बड़े बुजुर्गों की बेटे को घंटों भर बिठाकर समझाइश हुई। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके मुताबिक टिकट बंटवारा अखिलेश मुलायम मिलकर करेंगे। अगर अमर सिंह से अखिलेश को नाराजगी है तो अपनी हिमाकत की वजह से रामगोपाल मुलायम को बर्दाश्त नहीं है। पार्टी के हित में दोनों को पार्टी से बाहर रखने के फैसले पर सहमति बन गई है। यहाँ अखिलेश को अपने परिवार जनों के दखल पर भी एतराज था। नेताजी ने शिवपाल को अपने कोटे में रखते हुए अखिलेश को भरोसा दिया कि उसकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, उनका बेटा प्रतीक और बहू अर्पणा को भी सियासी दखलंदाजी से बाहर रखा जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को आगे करने पर काम हो रहा है। कि बहुत सेहतमंद बात है कि सीएम साहब की नेताजी से बात हुई और एक नई उम्मीद जगी है लोगों के बीच। जाहिर है रिश्ता भी ऐसा ही है कि बात होना चाहिए और संवाद का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अगर संवाद का दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर बात बिगड़ने के सिवा कुछ नहीं है। नेताजी तो मेरी बात हुई थी, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत नर्म हैं और चाहते हैं कि चीजें हल हों। मुलायम सिंह 75 पार कर चुके हैं और उनका राजनीतिक सफर ढलान पर है, लेकिन अगर अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव को छोड़ते हैं और उनकी राजनीतिक पारी के खात्मे की वजह बनते हैं तो जो सहानुभूति अखिलेश को मिल रही है वो मुलायम के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि किसी को भी उनके राजनीतिक सफर में ऐसे अंत की उम्मीद नहीं होगी और बेटा होने के नाते खुद अखिलेश भी ऐसा नहीं होने देना चाहेंगे। इतिहास गवाह है कि शाहजहां को कैद करने वाला औरंगजेब आज भारत के लोगों के गले नहीं उतर सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। समाजवादी पार्टी में जारी कलह के बीच सुलह कराने की कोशिशों में लगे वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि वो सुलह के लिए किसी भी
किसी के भी हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि जहां नाक झुकाना हो झुका लेंगे, खुशामद करनी हो तो वो भी कर लेंगे, किसी के हाथ पैर जोड़ने हो तो जोड़ भी लेंगे। इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए किसी के दर पर कुछ भी करना पड़े तो कर लूंगा, क्योंकि हम तो वैसे ही बहुत सताए हुए लोग हैं। 47 से लेकर अब तक माथे पर इल्जाम ही लगता रहा है, तो अब हम तो एक अच्छे कल के लिए और खास तौर से अकलियतों की हिफाजत हो उसके लिए कहीं भी चले जाएंगे, जहां नाक झुकाना हो झुका लेंगे, जिसकी खुशामद करना हो कर लेंगे, जिसके हाथ पैर जोड़ना हो जोड़ लेंगे। और यदुवंश की महाभारत को धर्मयुद्ध बनने से रोकने का सारा दारोमदार मुलायम सिंह पर टिका हुआ है। दोनों गुटों के बीच तनी तलवारों को मयान में वापस पहुंचाने का जतन कोई कर सकता है तो वो है खुद मुलायम सिंह यादव, लेकिन नेताजी भी गहरे अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं। क्या है उनका ये अंदर जो उनके अंदर जो वाद विवाद चल रहा है, उनके आत्मसंघर्ष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुलायम सिंह को भी अपने अंदर एक धर्म युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ गहरा पुत्र मोह है तो दूसरी तरफ अपने रक्त संबंधी। कभी बेटे की सुनते हैं तो कभी भाई की बात सुनते हैं। नीति कहती है कि बेटे से भाई बड़ा है, दिल कहता है बेटा बड़ा है, इसलिए मुलायम सिंह हमेशा शिवपाल के पाले में खड़े दिखाई देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नेताजी नहीं चाहते तो सपा पर अखिलेश का कब्जा नहीं होता। जो कुछ हो रहा है उसकी पटकथा खुद नेताजी ने लिखी है। मुलायम जिसकी बात राष्ट्रीय राजनीति में अपना वजन अपना असर रखती थी, वो आज लाचार आदमी का किरदार भला खुद क्यों जीना चाहेगा। उसके जीते जी उसे अपनी ही पार्टी में कुर्सी से उतार दिया जाता है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका उन्हें ये सिला मिला। आप बताओ इतिहास में किसी ने अपने लड़कियों को ऐसा किया? हिंदुस्तान में बता दो, चाहे अंग्रेजी राज रहो, चाहे मुगलकार हो, चाहे कोई हो, चाहे अभी कांग्रेस राज हो, चाहे कोई पार्टी रहे, कभी किसी ने स्वयं मेरा साथ खराब है क्या? क्या द्वारा मैं कर सकता हूँ किसी? मीलों कोसों गांव गांव साइकिल चला कर जाना और चादर बिछा कर पार्टी के लिए चंदा जुटाना और पिछड़ों दलितों शोषितों पीड़ितों की पार्टी खड़ा करना आसान काम तो नहीं था। आज साइकिल चलाने लायक सेहत भले ही नहीं रही है, लेकिन पार्टी की साइकिल उनसे बेहतर कौन चला सकता है? साथ में साई की तरह रहे शिवपाल, पार्टी और नेताजी का ख्याल रखने का जिम्मा छोटे भाई की तरह संभाला। गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक की जानकारी उनकी उंगली पर है। सबको नाम से याद रखना, खुशी गमी में जाना उनका ही काम रहा है। ऐसे शिवपाल के लिए भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? समाजवादी पार्टी में समाजवाद नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? पार्टी चलाने के लिए सबको साथ लेना जरूरी है, ये समझाने पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप पड़ा जा रहा है। महत्वाकांक्षा होती तो अपने जीते जी भला कौन पुत्र का राज तिलक करता है? मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया जी, क्योंकि हमने झूठ बोले, न धोखा दिया, न भ्रष्टाचार किया जी, कोई आरोप नहीं लगा सका, लगाया तो सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार घोषित कर दिया। सभी को पलड़ा दूसरी तरफ झुकता नजर आता है और अपने साथ नाइंसाफी की शिकायत करता है, लेकिन अखिलेश अपना ही खून है। सपा के पास उनके अलावा कोई चेहरा भी नहीं है। समाजवादी उसूलों पर चलने वाले नौजवान की छवि है उसकी। अगर उसको दिल से सियासी विरासत सौंपी है तो दी हुई चीज वापस नहीं छीनी जाती। बेहतर है कि उसे अपने तरीके से काम करने, चुनाव लड़ने और जीतने हारने के लिए और अपने फैसले लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। बेटे से हार कर अपने बेटे को हराइए मत नेताजी। मुल्क की आवाम अखिलेश की इस नामुराद हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसको गले लगाकर उसे ताज पहनाइए, जरूरत पड़ने पर ही सलाह दीजिए, ताकि आपकी खड़ी की सियासी सल्तनत आपके रहते और आपकी वजह से ढह ना जाए। अपने यारों के साथ धुनी रमाइए और सजाइए मलंगों की महफिल, क्योंकि माया बड़ी ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। अंशुमान त्रिपाठी के साथ सचिन शर्मा, EPN।
तो अजीब सी कश्मकश में होंगे मुलायम सिंह यादव, क्योंकि एक तरफ भाई का प्यार तो दूसरी तरफ पुत्र का मोह। जाहिर तौर पर दोनों में से एक को पसंद करना या फिर दोनों में से एक को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल भरा होगा, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह के धर्म संकट में मुलायम सिंह यादव फंसे होंगे। लेकिन अगर इस धर्म संकट से खुद को निकालना है, पार्टी को निकालना है और सारी चीजें जो है वो सही करनी है, तो मुलायम सिंह यादव ही एकमात्र शख्स हैं जो अपने बलबूते पर ये सारी चीजें, ये सारा एपिसोड जो है वो खत्म कर सकते हैं और एक बार फिर से सपा में राजनीतिक तौर पर भी अगर देख लें या फिर पारिवारिक तौर पर भी देख लें, ये सारी चीजें मुलायम सिंह यादव के हाथ में है, वो सही कर भी सकते हैं और फिर से इन्हीं जो उलझी पड़ी है राजनीति है सपा की, उसमें दोबारा से इसमें और उलझ भी सकते हैं। तो यादव वंश की महाभारत को धर्मयुद्ध बनने से रोकने का सारा दारमदार मुलायम सिंह पर ही टिका हुआ है और दोनों गुटों के बीच तनी तलवारों को म्यान में वापस पहुंचाने का जतन कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद मुलायम सिंह यादव है। लेकिन नेताजी भी गहरे अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, धर्म संकट है उनके अंदर भी कि आखिरकार बेटे को चुने या फिर भाई को चुने। तो मुलायम अखिलेश करेंगे टिकट बंटवारे का फैसला, ये एक बड़ा सवाल। रामगोपाल यादव और अमर सिंह क्या पार्टी से बाहर होंगे, ये एक बड़ा सवाल। सैफई के बुजुर्गों की पहल पर सुलह का फॉर्मूला अब चलाया जा रहा है, लेकिन कल जो मीटिंग हुई उसमें भी ये जो सुलह की एक कोशिश थी वो विफल रही। तो अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल ये विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेटे को नहीं मना पाए अभी मुलायम सिंह यादव और अब अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। अखिलेश खेमे ने भी चुनाव आयोग में सपा और साइकिल पर अपना दावा ठोका है, तो वहीं शिवपाल यादव ने भी सपा को हर तरीके से अपनी पार्टी कहा है। और यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव का आज ऐलान भी हो सकता है, ऐसे में सपा पार्टी को जो भी फैसला लेना है जल्द से जल्द देना होगा, क्योंकि अब चुनाव सर पर है और इस तरह की कश्मकश में सपा पार्टी चल रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनामिका जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। अनामिका, कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी कि अपना अपना पराया पराया, लेकिन यहाँ तो स्थिति ही दूसरी है। एक तरफ पुत्र का मोह है, दूसरी तरफ भाई का प्यार है, दोनों रिश्ते खून के हैं। किस तरह से इस पूरे स्थिति से पार पा पाएंगे मुलायम सिंह यादव? देखिए, अब तक जो घटनाक्रम हमने देखा है उसमें भाई और पुत्र से आगे मुलायम सिंह यादव ने सियासत के लिए जिस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई है हमने वो भी यहाँ पर देखा है। जब अखिलेश यादव ने अपनी ओर से आपातकालीन अधिवेशन बुलाकर के खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करवा लिया, तो नेताजी दिल्ली पहुंचे चुनाव आयोग में ये कहने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी मैं ही हूँ। ये बात और है कि चुनाव आयोग जाने के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि हो चाहे कुछ भी, चुनाव भले ही अकेले लड़े लेकिन साइकिल का जो सिंबल है वो उनसे छीन सकता है। और यही वजह है कि कल दोनों को ये बात समझ में आई, अखिलेश यादव को भी ये बात समझ में आ गई, मुलायम सिंह यादव को भी ये बात समझ में आ गई कि बगैर साइकिल के सिंबल के दोनों के अलग अलग रास्ते चलने पर दोनों को ही इसका खासा जो नुकसान होगा वो उठाना पड़ेगा। और यही वजह रही कि कल 1:10 से लेकर के 5 बजे तक जो दोनों की बैठकें हैं वो चलती रही। हालांकि इस बीच 2 घंटे के बाद शिवपाल यादव ने भी इस बैठक को ज्वाइन किया, लेकिन करीब 4 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही और इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि देर रात तक ये भी खबर आई कि अखिलेश यादव अपने स्टैंड पर क्लियर है। हालांकि मुलायम सिंह यादव की ओर से बलराम यादव को उनके आवास पर भेजा गया वापस बुलाने के लिए, लेकिन बलराम यादव वापस बेरंग लौटे, अखिलेश यादव ने आने से मना कर दिया। इस बीच खबर ये भी है कि आजम खान चूंकि कल रात 8:20 की फ्लाइट से लखनऊ आ चुके हैं और अब वो
आज सुबह मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं एक बार पहले जो आजम खान मध्यस्थता कर चुके हैं दोनों के बीच, आज भी वो मध्यस्थता का ही काम करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मुलायम सिंह यादव के लिए इस वक्त पसोपेश की स्थिति है, सर पे चुनाव है, एक तरफ बेटा खड़ा है, दूसरी ओर वो भाई खड़े हैं जिसमें से एक भाई बेटे का साथ दे रहा है तो दूसरा भाई पीछे खड़ा है उनके। ऐसे में मुलायम सिंह यादव किस रास्ते, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ताकि सब कुछ कंट्रोल में आ सके, ये देखने वाली बात होगी। और क्या वाकई में अखिलेश यादव आज पिघलेंगे, और अगर पिघलेंगे तो क्या दोनों एक साथ चुनाव लड़ने पर तैयार होंगे, क्योंकि खबर तो ऐसी ही है कि कल जो बैठक हुई है वो मजबूरी की बैठक है और दोनों इस बात को समझते हैं कि अलग अलग चलने पर दोनों को नुकसान हो जाएगा, इसीलिए एक साथ चलने की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है जी। और अगर कोई समझौता नहीं होता है अनामिका, तो चुनाव क्योंकि सर पर है, उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो सपा का मेन वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक, वो बिखर जाएगा। देखिए अलग अलग वैसे भी बचपन से सिखाया गया हमें कि एकता में शक्ति होती है। यहाँ पे भी आप देखिए कि पिता और पुत्र मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी को खड़ा किया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज सारे विधायक अखिलेश यादव के पाले में नजर आ रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव, नेताजी का वोट बैंक कहीं ना कहीं से कम हो गया है या यादव का सपोर्ट मिलना कम हो गया है। अगर इटावा सैफई या मुलायम बेल्ट, क्या जो कहते हैं कि सपा के बेल्ट वाले जिले हैं, वहां पे लोग खासा नाराज है अखिलेश यादव के इस स्टैंड से, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से ही मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना है और उन लोगों के लिए नए सिरे से अखिलेश यादव को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको जरूर होगी। तो वहां पे अखिलेश यादव को कम से कम अपने गढ़ में लोगों की नाराजगी उठानी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी के इस ड्रामे से कंफ्यूजन की स्थिति में है, कल आजम खान ने भी इस बात को लेकर के कहा कि अगर मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी को जिसका साथ मिलता रहा है, अगर उसे चाहिए तो फिर समाजवादी पार्टी के झगड़े को जल्द सुलझाना होगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, दोनों को यह समझना चाहिए कि मुस्लिम इस वक्त नाराज और कंफ्यूजन की स्थिति में है। और एक तरफ जहां मायावती अपने ज्यादातर टिकट मुसलमानों को दे रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कंफ्यूजन की स्थिति में ही कहीं और कन्वर्ट हो जाए या कहीं और चला जाए। तो इस दोनों ही स्थिति में समाजवादी पार्टी को अलग अलग चलने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही बात शायद अखिलेश यादव को भी समझ में आ रही है कि वो विधायक और वो मंत्री जो टिकट के चक्कर में उनके साथ खड़े तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी को सत्ता के शिखर पे पहुंचाएगा, अगर दोनों एक साथ नहीं रहे तो वो वोट कहीं ना कहीं उसे छिटक जाएगा। और यही वजह है कि कल बैठक भी हुई, हालांकि ये बात और है कि दोनों के जो तेवर हैं वो सख्त अभी तक बने हुए हैं, अखिलेश यादव के तेवर ज्यादा सख्त बने हुए हैं, क्योंकि जो उनकी बातें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं, अमर सिंह को पार्टी से निकालना चाहते हैं, खुद सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं, शिवपाल यादव को राष्ट्रीय राजनीति में भेजना चाहते हैं, टिकट बांटने पे एक अधिकार चाहते हैं। इसमें से कुछ मुद्दे हैं जिसमें से जिस पर मुलायम सिंह यादव राजी हो गए हैं, वहीं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मुलायम सिंह यादव अभी भी राजी नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि ये मुद्दे भाई से रिलेटेड हो, लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि आजम खान की मध्यस्थता दोनों के बीच रिश्तों में या दोनों के बीच इस बैठक में क्या एक नया रंग लेकर के आती है। चलिए अनामिका आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर का रुख करेंगे। आज से बीजेपी ने किसानों के बीच पहुंचने के लिए महाअभियान शुरू करने का फैसला किया है। दो चरणों में चलने वाले अभियान से हर विधानसभा में पार्टी किसानों तक पहुंचेगी। पहले चरण में आज से प्रदेश के 343 ग्रामीण और अर्ध शहरी विधानसभाओं के 4000 गांव में 10 से 20 स्थानों तक लगातार 8 दिन तक अलाव सभा होगी। अलाव सभा में बीजेपी के पदाधिकारी और नेता मोदी सरकार के कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों के साथ केंद्र की किसान केंद्रित योजनाओं पर किसानों और ग्रामीण युवाओं के साथ चर्चा करेंगे। दूसरे चरण में 13 जनवरी को सभी 75 जिलों में एक साथ किसान रैली होगी। इसके बाद बीजेपी के नेता मिट्टी का तिलक लगाकर किसानों की बेहतरी और ग्रामीण युवाओं के उत्थान के लिए संघर्ष की प्रतिज्ञा करेंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अनामिका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, किसानों के लिए जो महाअभियान चलाया है अभी बीजेपी ने, कितना असर इसका वोट बैंक पर भी देखने को मिलेगा? देखिए इसका वोट बैंक पे कितना असर देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करने वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है, महिला सम्मेलन कर रही है, नौजवानों को साधने के लिए हर यूथ पे बूथ की बात कर रही है। उसके अलावा अगर मोदी की रैलियां देखें या परिवर्तन यात्राएं देखें बीजेपी की, तो वहां पे बीजेपी को लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिला है। वहीं अगर अखिलेश यादव के युवा चेहरे का फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलने वाला था और मिल भी रहा था,
लेकिन समाजवादी पार्टी के बीच जो ड्रामा दिखाई दे रहा है हमें, कहीं ना कहीं उससे किसान हो या फिर मुसलमान हो, सभी में एक गलत फहमी या कन्फ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है और सबको एक मैसेज जा रहा है कि जो पार्टी खुद को नहीं संभाल पा रही वो प्रदेश को क्या संभालेगी, या जो अखिलेश यादव विकास की बातें करते हैं अगर वो परिवार को संभाल नहीं पा रहे तो कैसे वो समाज के अलग अलग वर्गों को संभालेंगे। यहाँ पे बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है और कल तक जो समाजवादी पार्टी बीजेपी को ठीक ठाक उत्तर प्रदेश में फाइट देती दिखाई दे रही थी, आज समाजवादी पार्टी कमजोर दिखाई दे रही है बीजेपी के सामने सिर्फ और सिर्फ इस झगड़े की वजह से। और यही वजह है कि बीजेपी के पास एक अच्छा खासा मौका है जब वो हर वोट बैंक को अपनी ओर लाने का प्रयास करे, फिर चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, फिर चाहे वो अलग अलग कास्ट पॉलिटिक्स हो या फिर किसान ही क्यों ना हो। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहे जाते हैं और ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव चूंकि अपने परिवार में इतने उलझे हुए हैं कि वो अब तक शायद वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे, फैसले नहीं ले पा रहे या चुनाव को लेकर के उस तरह से वो फ्रंट पर नहीं आ पा रहे। अब तक मुलायम सिंह यादव दो या तीन रैली कर चुके हैं, पूरे प्रदेश में उनकी रैलियां होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। अखिलेश यादव की रथ यात्रा हर जगह से निकलनी थी लेकिन वो भी अभी तक हर जगह से नहीं निकल पाई। तो दोनों ही परिवार में उलझे हुए हैं, लिहाजा बीजेपी के पास ये मौका है कि वो इस मौके पर चौका मारे या कह सकते हैं कि इस मौके को भुनाने की कोशिश करे। और वहीं यहाँ पर बीजेपी करती दिखाई भी दे रही है। आप देखिए कि अमित शाह जहां भी रैली कर रहे हैं या मोदी जहां भी रैली कर रहे हैं उनके निशाने पर एक तरफ मायावती है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का झगड़ा है। बीजेपी को ये दिखाई दे रहा है कि ये अच्छा मौका है, यहाँ पर किसान हो तो, गरीब हो तो, पिछड़ा वर्ग हो तो, मुसलमान हो तो, महिलाएं हो तो। और नोटबंदी के बाद जो थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान होता हम देख रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में, वो बीजेपी उसकी भरपाई कम से कम किसान महाअभियान और हर हर वोट हर बूथ पर वोट इस तरह के जो कार्यक्रम चला करके घर घर जा करके वो इस तरह की नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर रही है। और हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया कि वो घर घर जा करके परिवारों को, लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में नोटबंदी के फायदे बताएं, कैशलेस होने के फायदे बताएं। तो यहाँ पे बीजेपी को जो थोड़ा बहुत नोटबंदी से नुकसान होता दिखाई दे रहा था, वहां पे समाजवादी की इस झगड़े की वजह से उन्हें उस नुकसान की भरपाई होती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बीजेपी अब किसान महाअभियान चला रही है और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है जिसका उसको फायदा 17 के चुनाव में हो सके। बिल्कुल नामिका, क्योंकि नोटबंदी के दौरान जो किसानों की बात चल रही थी कि रावी की फसल की बुआई का समय है, वो सब चीजें अब भूल गए हैं और अब जो सारा कंसंट्रेशन है वो सिर्फ और सपा पार्टी की इस अंतर कलह में चला गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी इस मौके को बुराने की भी कोशिश कर रही है और जाहिर तौर पर एक का नुकसान हो रहा है तो दूसरे का फायदा हो रहा है। अनामिका, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तमन्ना, सवाल दोहराए। जी अनामिका, ये हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मौके को भुनाने की कोशिश की जा रही है जो सपा में अंतर कलह है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि नोटबंदी के मुद्दे को अब सब भूल गए हैं, जो किसानों के कंसर्न थे रावी की बुआई को फसल को लेकर अब वो सब चीजें जो है वो दरकिनार हो गई हैं और सिर्फ इस चीज को लेकर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि किस तरह से सपा के इस मुद्दे का फायदा उठाया जाए हर पार्टी की तरफ से। देखिए तमन्ना, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में किस तरह का यहाँ पर लोगों का रुझान है वो हमने देखा है। प्रदेश में भी अखिलेश यादव का जो चेहरा है, युवा चेहरा है, और प्लस विकास की जिस तरह बात करते हैं, लोगों को ये लग रहा था और अभी भी ये लोगों को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव अपने बलबूते या अपने विकास के दम पर कम से कम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छी खासी फाइट देने के लिए सक्षम रहेंगे वो। और रथ यात्रा के दौरान जो लोगों का रुझान था वो भी हम देख रहे थे, लेकिन नोटबंदी की वजह से कहीं ना कहीं पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक बहस का मुद्दा बदल गया था। बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर नोटबंदी का जो नुकसान बीजेपी को कहा जा रहा था कि यूपी चुनाव में देखना पड़ सकता है, नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन अब नोटबंदी के उस मुद्दे से हटकर अब सब जो फोकस है वो अब सपा के इस अंतर कलह में चला गया है और कहीं ना कहीं हर पार्टी इस मौके को भुनाने की कोशिश में भी लगी हुई है। और नोटबंदी पर सियासी अब नाकेबंदी जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ में बैठक बुलाई है। ये बैठक जन आक्रोश आंदोलन को तेज करने के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, कार्यकारिणी और विशेष आमंत्रित सदस्यों, जिला शहर अध्यक्षों और सभी फ्रंटल के प्रदेश प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक लखनऊ के गांधी प्रेक्षा गृह में दोपहर 12 बजे से होगी। इस बैठक में राज बब्बर और शीला दीक्षित भी शामिल होंगे।
5 राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो सकता है और चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में 5 राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की थी। बताया जा रहा है कि आज चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने इस बात का संकेत देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही तारीखें घोषित होती हैं वो आचार संहिता लागू करने के लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को पूरा हो रहा है जबकि 4 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च तक पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में चुनाव एक ही दिन निपटाए जा सकते हैं जबकि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। बताया तो ये भी जा रहा है कि यूपी में 7 फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते के बीच चुनाव हो सकता है। वहीं उत्तराखंड और पंजाब में 8 फरवरी से चुनाव करवाए जा सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में मतगणना हो सकती है। और अब बात जस्टिस जगदीश सिंह खेर की। जस्टिस जगदीश सिंह खेर भारत के चीफ जस्टिस के रूप में आज शपथ लेंगे। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सीजेआई के रूप में शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी आखिरी सीजेआई को शपथ दिलाएंगे और न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर भारत के 44वें न्यायाधीश होंगे और उनका कार्यकाल 4 अगस्त 2017 तक कुल 8 महीने का रहेगा। जस्टिस खेर सिख समुदाय के पहले सीजेआई होंगे। न्यायमूर्ति खेर 13 सितंबर 2011 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। न्यायमूर्ति खेर को 8 फरवरी 1999 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2 अगस्त 2008 को उन्हें इसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। न्यायमूर्ति खेर 17 नवंबर 2009 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद उन्हें 8 अगस्त 2010 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। और जस्टिस जगदीश सिंह खेर का जन्म 28 अगस्त 1952 को हुआ। चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेज में 1974 में स्नातक की डिग्री लेने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से 1977 में लॉ किया। 1979 में LLM की डिग्री हासिल की। LLM में खेर को गोल्ड मेडल मिला। खेर ने 1989 से वकालत शुरू की। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, शिमला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते रहे। करियर में जस्टिस खेर ने कॉर्पोरेट घराने के मामले किए हैं लेकिन मुख्य तौर पर सर्विस मामलों की ही सुनवाई की है। तो जस्टिस खेर आज शपथ लेंगे और करियर में जस्टिस खेर ने कॉर्पोरेट में भी काम किया है। जस्टिस खेर ने मुख्य तौर पर सर्विस मामलों की ही सुनवाई की है और खेर कुछ वक्त तक पंजाब सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। इसके अलावा 8 फरवरी 1999 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज भी बने और 2 बार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस खेर 29 नवंबर 2009 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इसके अलावा 7 अगस्त 2010 तक उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और 8 अगस्त 2010 को जस्टिस खेर कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 12 सितंबर 2011 तक जस्टिस खेर कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और 13 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। खेर अपने परिवार में पहले वकील हैं लेकिन अब उनके तीनों बेटे वकील हैं। और आज जस्टिस जेएस खेर प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। करीब 8 महीने तक प्रधान न्यायाधीश रहने वाले जस्टिस खेर के सामने कई चुनौतियां होंगी। किसी जज का कार्यकाल कैसा होगा ये काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि उस जज ने क्या फैसले दिए हैं और उन फैसलों का क्या असर रहा। जहां तक जस्टिस खेर के फैसलों का सवाल है तो उनके फैसलों में संविधान की भावना की सर्वोच्चता हमेशा ही अहम रही है। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। मौजूदा प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने 6 दिसंबर को चिट्ठी लिखकर उनके नामों की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 18 दिसंबर को उनके नाम को मंजूरी दे दी। जस्टिस खेहर देश के पहले सिख प्रधान न्यायाधीश होंगे। प्रधान न्यायाधीश बनते ही जस्टिस खेहर को कई मामलों पर सुनवाई कर फैसले देने होंगे। इनमें सबसे बड़ा नोटबंदी का मामला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को सौंप दिया गया है।
जस्टिस खेहर के सामने बीसीसीआई में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने का मामला भी आएगा। आईपीसी की धारा 377 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर दाखिल सुधारात्मक याचिका भी उनके सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 377 को सही करार दिया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद भी उनके सामने होगा। जम्मू कश्मीर में पैरेट गन के इस्तेमाल का मामला भी जस्टिस खेहर के सामने होगा। साथ ही उनके सामने ताज ट्रेपेजियम का मामला भी होगा, जिसमें आगरा में ताजमहल के आसपास बेहिसाब पेड़ काटे गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में समिति के सुझावों के अमलीकरण पर निगरानी कर रहा है। इस मामले से अलग उनके सामने न्यायिक सुधार की भी बड़ी चुनौतियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 31 पद हैं और 3 जनवरी 2017 को जस्टिस ठाकुर के रिटायर होने पर 8 पद खाली होंगे। देश के 24 हाई कोर्ट में जजों के कुल 1,079 पद हैं, इनमें करीब 500 यानी आधे पद खाली पड़े हैं। ऐसा है कि न्यायपालिका पिछले करीब 10 सालों से एक भारी संकट से जूझ रही है। पहला यह कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है और जो जजेज की पोस्ट है वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। वैकेंसीज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कम हो ज्यादा हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है आपकी वहां पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली हैं और उसको लेकर के एक भारी परेशानी बनी हुई है। जहां तक निचली अदालतों का सवाल है, वहां करीब 17,000 जज ही मौजूद हैं। विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट में कहा गया कि देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में ये संख्या 17 जज प्रति 10 लाख है। जजों की कमी के साथ साथ देश में अदालतें मुकदमों के अंबार से दबी जा रही हैं। देश की सभी अदालतों में कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में 61,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। हाई कोर्ट में कुल मिलाकर करीब 42 लाख मुकदमे लंबित हैं और निचली अदालतों में 2.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। And if you see that corresponding figure, you will realize this is almost more than 25 million cases are disposed of. But the number of cases are filed even more. What you dispose of, more cases are filed every year. So that's one reason of pendency of cases. यही नहीं, उनके सामने चुनौती योग्य व्यक्ति को जज बनने के लिए आकर्षक करने की भी होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का मुद्दा फिर से उठाया। विधि आयोग के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एपी शाह ने भी इसका समर्थन किया है। महंगी होती न्यायिक प्रक्रिया पर भी अंकुश लगाना जस्टिस खेहर के सामने एक चुनौती होगी। जस्टिस खेहर को अपने छोटे से कार्यकाल में न्यायिक सुधार की इस चुनौती से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि न्याय पाने वालों को निराशा ना हो। जस्टिस खेहर 27 अगस्त 2017 तक इस पद पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और सुप्रीम कोर्ट का माहौल मंगलवार शाम कुछ खुशनुमा सा था। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के काम के आखिरी दिन विदाई पार्टी रखी गई थी। 43वें प्रधान न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति ठाकुर ने शीर्ष अदालत परिसर में अपने विदाई भाषण में कई मुद्दों को छुआ और कहा कि देशभर की अदालतों में करीब 3 करोड़ मामले लंबित हैं और न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए इस मुद्दे से निपुणता से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बहुत चुनौतियां हैं, हमारे सामने 3 करोड़ मामले हैं, हमारे सामने आधारभूत ढांचे की समस्याएं हैं, हमारे सामने न्यायाधीशों की संख्या कम होने की समस्या है, लेकिन कृपया याद रखिए हमारे सामने भविष्य में और बड़ी चुनौतियां होंगी और इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। While sitting there with Justice Kher, I was asking him, look, how many people have gathered to welcome you as Chief Justice of India? I said, what an amazing gathering, what an amazing gathering. The first Chief Justice of India, the first Sikh Chief Justice of India taking oath, and here is this great gathering that has assembled to welcome you. He turned, he said, no, these are not for me, they are for you. I said, why are they here for me? He said, they are celebrating the exit of the terrible Chief Justice of India. तो सुप्रीम कोर्ट का माहौल मंगलवार को कुछ अच्छा दिखा और चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के काम के, क्योंकि आखिरी दिन की विदाई पार्टी रखी गई थी, फेयरवेल पार्टी थी और 43वें प्रधान न्यायाधीश रहे हैं न्यायमूर्ति ठाकुर ने शीर्ष अदालत परिसर में अपने विदाई भाषण में कई मुद्दों को छुआ।
न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर मंगलवार को रिटायर हो गए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में नए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेर ने उनके काम के तरीके की जमकर तारीफ की और जस्टिस ठाकुर ने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख भी किया। जस्टिस ठाकुर वाज अ मैन ऑफ अबंडेंस पेशेंस। ही नेवर हर्ड काउंसिल। ही हैड मैटर्स वेरी कॉमली। Was not that because he was not firm, he was very firm. He gave people an opportunity to say what they wanted to, but it decided what he will do. तो जमकर तारीफ की जस्टिस ठाकुर ने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख भी किया। जस्टिस जेएस खेर ने उनके काम के तरीके की जमकर तारीफ की। जस्टिस टी एस ठाकुर रिटायर हो गए, कल उनकी फेयरवेल पार्टी थी और अब जेएस खेर ने उनकी जगह ली है। और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर भारत सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान में रह रहे भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दुबई स्थित सभी संपत्ति को सील कर दिया है। इसमें कई कंपनियां, होटल और संपत्तियां शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा सौंपे गए डोजियर के बाद पर कार्रवाई करते हुए यूएई सरकार ने यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए भारत के खुफिया अधिकारियों की एक विशेष टीम काम कर रही है। इस टीम में 50 से अधिक काबिल अफसर शामिल हैं। इसमें खुफिया विभाग के साथ सीबीआई, रॉ, ईडी, आयकर विभाग, एफआईयू और इंटरपोल विंग के अधिकारी शामिल हैं। ये टीम दाऊद के हर हरकत पर नजर बनाए रखी थी और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची शहर में दाऊद शेख हनीफ मोहसिन के नाम से बनाया जाना जाता है। बीमारी की वजह से दाऊद कराची से बाहर कहीं कोई मूवमेंट नहीं करता है। कराची में भी दाऊद और उसका पूरा परिवार बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं। दाऊद के सभी फोन कॉल्स उसकी पत्नी मैजबीन शेख अटेंड करती है। मंगलवार को ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत सरकार डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाने का प्रयास कर रही है। वो किस तरीके का प्रयास कर रही है अभी उसको बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था कि हम दाऊद को लाकर रहेंगे। भारत के पास ये साबित करने के लिए पुख्ता खुफिया जानकारी है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। और मंगलवार को संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बार संसद का सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है। आमतौर पर बजट सेशन फरवरी के आखिरी हफ्ते में बुलाया जाता है, लेकिन इस साल बजट 1 फरवरी की पेश किए जाने की उम्मीद है। 27 दिसंबर को पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में अर्थशास्त्रियों के साथ उन्होंने चर्चा की थी और इस बैठक में पीएम ने पहले बजट पेश किए जाने की वजह बताई थी। यूं तो 31 दिसंबर को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से मिनी बजट प्रस्तुत किया था। दो नई स्कीमें बनाई गई, लेकिन सबकी निगाहें इस बार पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। नोटबंदी के बाद पेश होने वाले इस बजट में आम लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। 2017 और 2018 के बजट को लेकर संसद भवन में संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCPA की बैठक हुई। खबरों के मुताबिक इस बार का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। आमतौर पर बजट सत्र फरवरी के आखिरी सप्ताह में बुलाया जाता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस साल बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सेशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को संबोधित करेंगे। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को लाया जाएगा। बजट सत्र को पहले बुलाया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए धन का आवंटन 1 अप्रैल से हो जाए। इसी समय से वित्तीय साल की शुरुआत होती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार CCPA के सदस्य हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली 4 जनवरी को GST परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद राज्यों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगे। जेटली की अध्यक्षता वाली GST परिषद की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इसमें करदाताओं पर नियंत्रण के जटिल मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इस बार बजट न सिर्फ पहले पेश हो रहा है, बल्कि अगले वित्तीय साल के लिए अलग से रेल बजट भी नहीं पेश किया जाएगा। सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को मंगलवार को रोज वैली घोटाले में CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में बीजेपी कार्यालय में पथराव भी किया गया। और कानपुर के बाद अब इलाहाबाद में भी ट्रेन हादसा होने से बच गया। चौफ तक के पास रेलवे लाइन के अप ट्रैक में एक बड़ी दरार पड़ गई और जब ट्रेन निकली तो जोर का धमाका हुआ और लोग हैरान रह गए। ट्रैक के टूटने की जानकारी होने पर ट्रैक मैन सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रैक टूटने के चलते कई ट्रेन लेट हो सकती हैं। लोगों की सूचना के बाद आनन फानन में पटरी बनाने का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे अधिकारी रेल ट्रैक के क्रैक होने की बात तो कह रहे हैं लेकिन इस तरह की बात को ज्यादा गंभीर नहीं मानते। अधिकारी इसकी वजह ठंड बता रहे हैं। गरीबा तो दसे ने आवाज दिया था तो पटाख से ट्रेन को क्रॉस एकदम कर गया। हम लोग डर के मारा पीछे भाग गए। हम लोग क्रॉस हो रहे थे तो गरीब पड़ने का डर था। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? तो उसके बाद जब लाइन का तो गाड़ी तो आगे जाके हम लोग ने बताया, मैसेज दिया पब्लिक को। तो यहाँ पे दो आदमी काम कर रहे थे उनको बताया। इस तरीके की जो रेल फ्रैक्चर होता है, रेल फ्रैक्चर और दो तरीके की बातें हैं। केवल रेल पटरी चटक जाना कोई ऐसा नहीं है कि उससे कोई दुर्घटना होगी जब तक कि दो पार्ट में हो के पटरी अलग ना हो जाए। ऐसा कोई गंभीर नहीं है। वो एक हमारे चेकिंग के पेट्रोल मैन होते हैं जो सुबह चलते हैं, दिन में की मैन चलते हैं, रात में नाइट पेट्रोलिंग होती है और वो कंटिन्यूअस ट्रैक पे चलते हैं और वो नजर रखते हैं इस पर कि इसमें क्या हो रहा है और उस पर हम लोग एक्शन लेते रहते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज दिल्ली जाएंगे जहां वो प्री बजट कार्यक्रम में भाग लेंगे और झारखंड के लिए अपनी मांग को रखेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री साहेबगंज में गंगापुर स्थित सहित राज्य के आधारभूत संरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष राशि की मांग कर सकते हैं। सोलह दिसंबर को रांची के बूटी में हुए निर्भया कांड की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा जो राज्य सरकार ने कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीबीआई जांच कराने की सहमति प्रदान की और इसके बाद गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। अब सीधे रुख करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की ओर जहां पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन, आज कौन सी अहम खबरें हैं? जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली दौरे को जा रहे हैं, एक दिवसीय दिल्ली दौरे में। वहां वो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाए गए प्री बजट कार्यक्रम में शामिल होंगे और झारखंड के लिए प्री बजट सम्मेलन में वो अपनी बातों को रखेंगे। झारखंड को किन किन चीजों की आवश्यकता है, खास करके आधारभूत संरचना के विकास को लेकर मुख्यमंत्री लगातार तत्पर हैं और सरकार का ये मानना है कि जिस तरह से देखा जाए तो सड़कों की स्थिति जो बनी हुई है, खास करके राष्ट्रीय राजमार्ग की, इन सारे बिंदुओं पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेंगे। साहेबगंज में गंगा पुल का मामला भी प्री बजट सम्मेलन में मुख्यमंत्री वहां पर इस विषय को भी रखेंगे और केंद्र सरकार से ये डिमांड करेंगे कि इसका जल्द से जल्द कार्य शुरू कराया जाए ताकि जो वर्षों से लंबित मांग थी झारखंड की कि गंगा पर पुल हो, और खास करके इसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही है कि यदि साहेबगंज में गंगा पर पुल बनता है तो हल्दिया जो पोर्ट है वहां से जुड़ने में झारखंड को काफी मदद मिलेगी और इसको लेकर के भी बातें वहां पर रखी जाएगी, मुख्यमंत्री के द्वारा रखी जाएगी। इसके अलावा जो NH-33 का मामला है, NH-33 को लेकर भी राज्य सरकार काफी गंभीर है और लगातार सरकार की कोशिश ये है कि NH-33 को दुरुस्त किया जाए क्योंकि झारखंड की लाइफ लाइन NH-33 को कही जाती है। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाए गए प्री बजट सम्मेलन में अपनी बातों को रखेंगे। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो वर्षों से लंबित थे, झारखंड में नहीं हो पा रहे थे, खास करके विधानसभा का नया भवन बनाना, सचिवालय का, हाईकोर्ट का, इन सारे चीजों पर भी आधारभूत संरचना, इनके विकास के लिए, इनको बनाने के लिए राशि की आवश्यकता है। तो राज्य सरकार, हालांकि काम शुरू कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें जो राशि की कमी आ रही है उसका डिमांड भी केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
और गरीबी की मार के बाद अब पूर्वांचल ठंड की मार झेल रहा है। कुशीनगर में दो भाइयों की ठंड से मौत हो गई। एक तरफ डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है और चुनावी रैलियों की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल भूख और ठंड से मौतों के लिए अभिशप्त है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। कुशीनगर में मठिया माफी गांव में नए साल की शुरुआत एक परिवार के लिए काल बनकर आई। गरीबी और बीमारी की मार झेल रहे दो सगे भाई भीषण ठंड का एक और प्रकोप नहीं झेल पाए और दोनों की मौत हो गई। नोट बंद भइला से यार नहीं मिलल पैसा कौड़ी तो दावा बीरो भी नहीं मर गए। काम लगते ना रहल, एक दिन लागत रहल, एक दिन नहीं लागत रहल। बीमारी रहल हो गया, इलाज के लिए पैसा वैसा मिलता था? पैसा ना थी, पैसा कारण बन हो गया तो पैसा ना मिला तो ला तो दावा ना करा पाऊंगी। सुविधा के नाम पर दुधही ब्लॉक के मठिया माफी गांव में सिर्फ आरसीसी की कुछ सड़कें और घास फूस से बनी कुछ झोपड़ियां भर हैं। गरीबी की मार झेल रहे परिवार के लिए ठंड की मार किसी आपदा से कम नहीं है। सुरेश और गामा की मौत पर पूरा गांव गमगीन है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर एक कलंक है कि पारिवारिक विवाद में ये लोग मस्त हैं और प्रदेश में जनता भूख से मर रही है, बीमारी से मर रही है। और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इनके खिलाफ एक याचिका दर्ज की है। महाराष्ट्र में हुए शुगर फैक्ट्रीज को हुए नुकसान और 25 करोड़ की हुई धांधली में याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें आपको, शुगर फैक्ट्रीज में हुई करोड़ों रुपए की हेराफेरी से उस वक्त के पूर्व सरकार के दो मुख्य नेताओं का नाम इस याचिका में है और शरद पवार और अजीत पवार मामले पर सुनवाई 6 जनवरी को रखी गई है। और हमारे साथ इसी खबर पर स्वीटी अधिमूलम जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, आपसे जानना चाहेंगे तमाम अपडेट इस खबर पर। जी बिल्कुल, अन्ना हजारे ने पहले भी आवाज उठाई थी करप्शन के खिलाफ और अब जो है फिर से उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन इस जो उन्होंने आवाज उठाई है उसमें शरद पवार और अजीत पवार का नाम है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने एक सिविल और दो क्रिमिनल पिटीशन दर्ज की है 25,000 करोड़ के हेराफेरी के मामले में। उनका कहना है कि जो भी महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रीज थे उन्हें अचानक से ही बेच दिया गया, उनमें अचानक से ही जो है वो मुनाफा की जगह पर जो है नुकसान होने लग गया, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। उस वक्त जो सरकार थी कांग्रेस एनसीपी की महाराष्ट्र में, उसमें एनसीपी ने एक बड़ा किरदार निभाया था और कहीं ना कहीं शरद पवार और अजीत पवार इन पूरे मामलों में जो है वो जिम्मेदार है। इसीलिए उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी मांगी है इस पूरे मामले को लेकर, इस करोड़ों की जो धांधली हुई है उस पर लेकर, और साथ ही में जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्हें उन्होंने रेस्पोंडेंट बनाया है शरद पवार और अजीत पवार, उनके खिलाफ भी उन्होंने एसआईटी की जांच की मांग की है। ये सारी जो मुद्दे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और ठाणे पुलिस ने वर्ल्ड चैंपियन माइकल फरेरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला 25 लाख का है। उन्होंने अपने कैबिनेट से लोगों को फंसाया है कि पैसे दुगना होकर मिलेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कई लोगों की शिकायत आई। बता दें इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी माइकल फरेरा के खिलाफ 425 करोड़ का मामला दर्ज किया है और उसकी चार्जशीट भी कोर्ट में दर्ज की है। ऐसे में मुंबई पुलिस और ठाणे पुलिस वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई करती दिख रही है। स्वीटी अधिमूलम इसी खबर पर हमारे साथ हैं। स्वीटी, पूरी डिटेल में इस खबर को बताइए। जी बिल्कुल, थाने पुलिस विभाग ने भी माइकल फरेरा जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं बिलियर्ड में, उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। बता दें कि 25 लाख का मामला जो है उनके खिलाफ दर्ज हुआ है क्यूनेट इस कंपनी को लेकर, जो है उन्होंने जो कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी, इन सारे मामलों को लेकर जो है थाने पुलिस ने अब जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो आज उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वहीं बता दें कि इससे पहले भी मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो 425 लाख करोड़ की जो हेराफेरी थी क्यूनेट के माध्यम से उन्होंने जो लोगों को फंसाया था उसके खिलाफ जो है माइकल फरेरा और अन्य लोगों के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट दर्ज की थी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आज वेकअप जिंदगी में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।